आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग झंडे के डिजाइन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, झंडा क्या, बातें अपने टॉपिक पे। अब टाइम जोन पढ़ते हैं, समय गठबंधों को पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक दिन में 360 डिग्री चक्कर लगाता है, माने एक 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, एक घंटे का समय लगता है, और एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए यहाँ से हमने देशांतर रेखा का ये देख लिया कि पृथ्वी क्या होती है, कितना घूमती है। अब छोटा सा टॉपिक यहाँ लेते हैं, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब भाई यहां पे दिन के 12 बज रहे हैं, करेक्ट, दिन के 12 बज रहे कहां पे, ग्रीनविच रेखा पे, ग्रीनविच रेखा पे, ठीक। अगर इसके 1 डिग्री पूरब जाएंगे तो ये 2 गोलार्ध हमारे पूर्वी गोलार्ध और तो 1 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, तो उसी समय वहां कितना बचेगा, 12 बजकर, कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 डिग्री जाएंगे तब 10 डिग्री जाएंगे तब क्या, 40 मिनट, 20 डिग्री जाएंगे तब 1 बजकर 20 मिनट, नहीं समझ में आ रहा। यहां 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं। अगर 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या मिनट, तो यहाँ ठीक कितने बजेंगे, 12 बजकर 4 मिनट। 2 डिग्री गए तब 10 डिग्री गए तब 12 बजकर 12:40, 20 डिग्री गए तब 1 बजकर 50 डिग्री गए तब 200 मिनट हुआ, 200 मिनट को बाद कितना, 3 घंटे 20 मिनट, 3 बजकर 100 डिग्री गए तब 6 घंटा 40 मिनट, 180 डिग्री गए तब 18 चौक 72 720 मिनट, 12 घंटे, माने दिन के रात वहां कितने हो गए, रात के बाद आज दिन के बारे में उसमें कितने हो गए। अरे भैया यहां से 180 डिग्री जाएंगे पूरा तो कितनी डिग्री बढ़ा, 180 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट, 180 बराबर 180 × 4 720 मिनट, 720 मिनट बराबर 12 घंटा, ठीक उसी समय रात के, आज सोमवार है तो वहां मंगलवार, भैया रात 12 जैसे पीएम हुआ डेट, अभी बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं, देखते रहिएगा। अभी चलते हैं आगे, कहानी समझ में आ रही है। अब पीछे आते हैं, 1 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में कितना बजेगा, 11। अच्छा यहाँ एएम जगह में पीएम करना चाहिए, दोपहर है ना, ये देखिए, हाँ हाँ, ये मान लो दिन का हो गया, वो तो कोई मतलब, इतना चलेंगे तो एएम पीएम। अब जब यहाँ चले आएंगे 1 डिग्री पीछे कितना हो जाएगा, एएम की पीएम, एएम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, एएम हो जाएगा, 2 डिग्री पीछे 8 मिनट, माने जितना पीछे जाएंगे समय जुड़ जाएगा और आगे जाएंगे समय, ठीक, हाँ। अभी संख्या का मैंने बताया था कि भैया 0 डिग्री दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा और बाएं आएंगे तो माइनस होगा, काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं बीच में पूछ लिया तब कि ऑस्ट्रेलिया से भारत, भारत से ऑस्ट्रेलिया, तब अभी कहानी सुनाएंगे, बुरा ना मानिएगा, था लाज सुनाएंगे नहीं, अभी कहेंगे सुनाएंगे तो कहेंगे हमारे ऊपर ही सुना दिए, बाद में सुनाएंगे, मजबूरी ये है ना कि कक्षा को आनंदमय बनाने के लिए हमें हर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, कि कभी कभी खुद के लिए कार्टून बनाना पड़ता है ताकि आपको यह ना लगे कि आप पिछले 1.5 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट, तो हमारी मजबूरी होती है, तो सिर्फ कहानी सुना देते फिर आगे पढ़ते हैं। जंगल थी, जंगल में जानवरों की सभा लगी हुई थी, क्या लगी थी, जानवरों की सभा लगी थी, बहुत सारे जानवर बैठे थे और लोग ऐसे लगा था स्पीच दे रहे थे, सारे जानवर जाते बारी बारी से, हाथ से कभी रहा हो कोई सम्मेलन रहा होगा, बीच में तो गधा बैठा था, गधा जानते हैं ना, ठीक, अरे बैठा था, ढेर सारे बैठे थे, हमारी तरह गधा बैठा था, कोई बात हुई, कोई बात आई, जैसे अभी आप लोग हंस रहे हैं ऐसा, वो हंस दिए सब, ठीक, तो सभा शांत हो गई, जैसे अभी शांत है, कुछ देर फिर हंस दिया वो, फिर कुछ देर शांत रहे सब, पीछे एक बार देखी कौन हंस रहा है, फिर शांत हुए, फिर काम शुरू हुआ, फिर हंस दिया, हंस दिए,
ठीक। अब जो सभा संचालक था शेरवा बड़ा परेशान हुआ, कहा बार बार कहीं जरा खड़ा कराया गया, खड़े हो कहे कैसे हंस रहे हो, कहे पहले बताओ पहले कहा हंसे, कहे सब हंस रहे थे हम भी हंस दिए जिसे आप लोग हंस रहे, कहे दोबारा, कहे ये सोचे थे हम हंसे कहे थे, कहे तीसरी बार, कहे जो आप बोले तो समझ में आ गया था। ठीक, तो जब हम जीरो डिग्री के पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, तो समय लगातार क्या होता है, माइनस होता जाता है, माने समय क्या होता है, घटता जाता है। ठीक, लेकिन अगर हमें किसी बीच की दूरियों का निकालना होता तो समय ऐड कर देंगे, अभी आगे हम देखेंगे सवाल पे, सवाल जब आएगा उस हिसाब से लगाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए लगाना। लेकिन हमें यह जानते रहिएगा प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो, यहां से भी अगर आगे जाएंगे तो भी 4 मिनट बढ़ेगा, और यहां से कहीं से भी अगर दाईं तरफ बढ़ेंगे समय जुड़ेगा, बाईं तरफ आएंगे समय घटेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर इतना। अगर यहां दिन के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री का पश्चिमी गोलार्ध जाएंगे 720 मिनट, कितना माने यहां आज के दिन के 12 है तो पीछे गए तो रात के 12 और इसके वाले में गए तो अगले कल के 12, माने उस रेखा से अगर हम यहां देखना चाहें तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जब यहां से यहां है 12 घंटे, इधर से इधर है तो 12, माने इस कोने से लेके इस कोने में 24 घंटे का अंतर होता है, माने पूरे एक दिन का अंतर आता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि एक तरफ सोमवार होता है, एक तरफ रविवार होता है, एक तरफ मंगलवार, एक तरफ सोमवार होता है, क्यों, क्योंकि पूरा 24 घंटा इसमें जुड़ जाता है। अगर यहां से हमें यहां आना है तो एक दिन आगे, और यहां से यहां जाना है तो एक दिन पीछे हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया इतना बात, अरे भैया सीधा सीधा 12 घंटे इधर, 24 घंटे का अंतर आता है उस रेखा पे। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, क्या दिक्कत हो सकती है वहां, आप प्राइमरी के मास्टर हो गए, ध्यान दीजिएगा, कल्पना करिए प्राइमरी के मास्टर है और आपने कमरा यहाँ ले लिया है, आपका विद्यालय यहाँ है, बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है, भाई तो खींचा तो गया नहीं है और यहीं से गुजर सकती है। ठीक, आपको सुबह 8 बजे सोमवार को पढ़ने जाना है विद्यालय, तो किसी दिन निकलेंगे आप, रविवार को निकलेंगे, और सोमवार को लड़का कोई सब्जी खरीदने गया, पता चला वही बीच से गई है, इस पार सड़क के उस पार जाना है सब्जी लेने, तो उस पार बाजार है, तो सोमवार को निकला है तो इतवार को पहुंच रहा है, इतवार को वहां से निकला तो सोमवार को पहुंचा। माने किसी भी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगी, समय के लिए, इसलिए जहां जहां पे स्थान पड़ गया वहां पे अंतरराष्ट्रीय तिथि को क्या किया गया, खिसका दिया गया। क्यों, क्योंकि अगर यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी होती, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सीधा होता, देख रहे हैं यहां से आया, यहां सीधा ना कर, देखिए लाइन सीधी है, यहां पे टर्न कर लिया गया, फिर यहां टर्न किया गया, फिर यहां आया, फिर यहां टर्न किया गया, फिर यहां टर्न किया गया, तीन बार इसे टर्न किया गया, क्यों, ऊपर यहां पे रसिया है, अगर यहां से सीधा यहां से आ गया होता इतने हिस्से में, इधर अगर सोमवार इधर रविवार होता तो कोई पढ़ाने आप लोग की तरह मास्टर निकलता तो दिन बदल जाता, कोई लड़का रेडियो बजा साइकिल जाता उधर जाता टाइम बदल जाता, इसलिए इसको सही करने के, ये तो काल्पनिक है, इसको क्या किया गया, यहां पे यहां से लाने के बाद देखने टर्न कर दिया गया। क्यों टर्न किया गया, ताकि एक ही स्थान पर रहने वाले नागरिकों को समय की समस्या ना हो, इसलिए इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक, यहां न्यूजीलैंड के पास भी चेंज कर दिया गया, न्यूजीलैंड है यहां पे, जानते हैं ना इसे कीवी कहते हैं, आप कीवी पक्षी, हां आज भी नाम है ना, तो क्यों टर्न किया गया समझ में आया, क्योंकि एक दिन का अंतर आता है पूरा, एक दिन माने 24 घंटे का अंतर आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, संतुष्ट हुए आप, तो धीरे धीरे चल के यहां तक पहुंचे हैं, आगे बढ़े। अब ये था छोटी सी कहानी हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, जिससे यह ज्ञात हुआ कि यह रेखा से समय कटबंध का ज्ञान होता है। लेकिन और ज्ञान पढ़ने के लिए काफी बड़ा अभी भी टॉपिक है, लेकिन इसे शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यूपीटीटी सुपर टीटी के लिए पढ़ना है, यूपीएससी के लिए तो पढ़ना नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं इसके कुछ बचे हुए हिस्से। अब देशांतर रेखा को भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, अब आते हैं सीटीटी का पूछा क्वेश्चन, हो सकता है कल परीक्षा में पूछ भी दे, इसलिए हम सोचे बता दे, व्याख्या भी कर दे। सूर्योदय किस दिशा में होता है और सूर्यास्त, तो कैसे सूरज क्यों पूर्व में ही निकलता है, क्यों पश्चिम में नहीं निकलता,
इसे कहते हैं बहकाना। आप लोग सोचते रहेंगे तब तक अपना काम करते रहेंगे। भैया जी सही सोच लिया बात, इसको कहते हैं बहकाना, मतलब आपको उलझा देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। बताइए सूरज क्यों पूरा मतलब पश्चिम में क्यों नहीं निकलता? भाई निकलना चाहिए पश्चिम में कभी कभी, तीन दिन इधर से, दो दिन इधर से, एक जम मन के उधर से निकल जाए। हाँ कौन कह सकता है, वो बाद में बताएंगे, वो आप दो कदम और आगे चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा हमारे साथ चलिए, मजा आएगा चलने में, ठीक है। अभी हम खाली यहीं पहुंचे हैं कि पूर्व में होता है, ये पूछा क्वेश्चन है सीटीटी का, तभी हम बता रहे हैं। बताइए हाँ अच्छा चलिए छोटी सी उदाहरण, ट्रेन उन पे बैठे हैं, ट्रेन और बस पे नहीं बैठे हैं, हमारी तरह मंद बुद्धि है। अच्छा बैठे हैं, जब बैठने के बाद बाहर कभी देखे हैं खिड़की से पेड़ किधर भागते हैं? हाँ पीछे भागते, जिधर जाते उसका उल्टा। बचपन से सोचते थे तो खुरापाती बचपन से थे, अभी भी हैं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब ट्रेन आगे जाती थी पेड़ पीछे क्यों? जबकि पेड़ तो स्थिर है, ऐसा क्यों? उसी तरह सूर्य स्थिर है, हम आगे जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? पश्चिम से पूर्व, इसलिए लगता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य स्थिर है। चलता कौन है? हम माने पृथ्वी। कैसे? जैसे ट्रेन चलती है पश्चिम से पूर्व जाते हैं, लेकिन होता क्या है, लगता है पिड़वा पीछे जा रहा है, पिड़वा नहीं जाता, खंभा पीछे नहीं जाता, वास्तव में जाता कौन है आप? वैसे सूर्य स्थिर, जाते कौन है हम? किधर? पश्चिम से पूर्व। इसलिए सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में ना होगा, जब हम डेली पश्चिम से पूर्व जाएंगे सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में होगा। समझ में आया? तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस स्थान पर होगा? हमने ऑप्शन भी नहीं दिया था, ऑप्शन सुन लीजिएगा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए अब, हमारे तो कचारे विकल्प है, पांच लोग बैठे हैं। लगाइए चारे तो ऑप्शन है, तुक्का तो भिड़ा दीजिए, इतने लोग हैं। और क्या बताए थे हम, साठ कट मिल गए थे, और क्या बताए थे, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ठीक है चलिए। हम बताएंगे कहा जाता है, वो आगे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। सबसे अच्छी बात है भूगोल का जितना टर्म खोदेंगे उतना हम बताएंगे, काहे बता है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब भले दो तीन साल से छूट गया है लेकिन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शन मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं, अगर ग्लोब में अगर इंडिया को देखें तो भारत कैसा दिखेगा पता है? कुछ भारत ऐसा दिखेगा, अगर ग्लोब पे देखें मैं तो बड़ा बना दिया, लेकिन भारत कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये ग्लोब की बात कर रहा हूं, मतलब भारत कहां है, एक तो उत्तरी गोलार्ध का देश है और पूर्वी गोलार्ध, मतलब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक दिखा। अब देखिए अगर अच्छांसी विस्तार देखें तो पहले यहाँ 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 8 डिग्री, 4 मिनट से लेके 37 हमें लगता है आप लोगों को पहले समय से शिक्षा पढ़ानी पड़ेगी फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक, मतलब एक यहां से रेखा गुजरी है और एक यहां से, तो ये अक्षांश विस्तार होगी भारत की, ठीक, दोनों नॉर्थ नॉर्थ है। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देखिए एक रेखा यहां से गुजरी होगी इस कॉर्नर से, एक रेखा इस कॉर्नर, तो दोनों रेखाओं के बीच कोई दूरी होगी, और जब समय जुड़ रहा है घट रहा तो देखते हैं क्या होगा, तो इसी को हम जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं, क्या करेंगे? जूम, आइए जूम करते हैं,
इसको मिटाएंगे तभी जूम कर पाएंगे। अच्छा यहाँ यहीं बना लेते हैं, जूम कर देते हैं। माना भारत है, बहुत बढ़िया नहीं बना है माना भारत। हाँ आधा छूट गई है, ठीक माना भारत है। तो इसके दो टर्म होंगे, एक तो रेखा यहां से गुजरेगी और एक यहां से गुजरेगी, ठीक। ये दो हो गए, ये दो दशांतर रेखा है। इसका जो नाम है वो है आपका, तो ये है आपका, इसे मिनट कहते हैं। मतलब एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये हो गया मिनट का चिन्ह, ये सेकेंड, ठीक। सुन में अब ये भी पता है आपको, सूर्य कहाँ निकलेगा, इधर से इधर जाएगा। ये पूरा भाई पश्चिम है, तो आप मैप पे पढ़ी लिए हैं, ये जूम के इसको, ठीक है। तो जहां पे ये पश्चिम से रेखा गुजरी है, क्या नाम है आपका, राम चेत हमके राम शेर सुन रहे हैं। राम शेर जरा ये बताइएगा, ये रेखा जहां गुजरती है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसे क्या कहते हैं, कोई नाम है इसका। हाँ रेखा, रेखा लड़की का नाम नहीं है, रेखा नहीं, इस बिंदु, रेखा खुद है लड़की का नाम है। अच्छा बिंदु भी लड़की का नाम है, सीमा भी नाम है, बताएंगे नहीं। हाँ अच्छा विस्मरण हो रहा है, चलिए हम स्मरण करा दे रहे हैं। इसे कहते हैं किवीथू, नहीं नहीं इसका नाम है सरक्रिक या गौरमोता। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो गुजरात के सबसे पश्चिम में सरक्रिक और गौरमोता, इसे गौरमाता भी कहीं कहीं मिल जाता है। स्मरण हुआ, तब पूर्वी वाली बता दीजिए, ये पूर्व वाला जो अरुणाचल प्रदेश से गया है, यहाँ पे एक बिंदु है, हंसी है ना भैया, नहीं आप पे भी हम बरस पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है किवीथू, किवीथू। फिर ये वालांगू, ये किवीथू और वालांगू, ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, जल्दी लिखिए इसको, मिटाए उठाए साफ करें। किवीथू और वालांगू, आप लोग घड़ियाल उड़ियाल देख रहे हैं कि नहीं, क्या बजा हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। सरक्रिक, गौरमोता, किवीथू, वालांगू, इतनी अच्छी होती तो परसेंटेज और अच्छे है। अच्छा इतनी खराब राइटिंग हमारी है, अगर हम आज कॉपी मिलेगी दें तो 3 दिन बाद खुदा नहीं पढ़ पाते क्या लिखे हैं, इतनी घटिया राइटिंग। सोचिए जानवर कैसे पास करता था पढ़ के, एक महीने बाद काफी जस्ती रही होगी, कैसे नंबर देता रहा होगा, हम सोचते हैं बड़ा आश्चर्य होता है। नंबरों कैसे दे दिया, अब नकलों मारने कोई मतलब नहीं, जब आप राइटिंग नहीं पढ़ पाएगा तो क्या देगा, समझे नहीं, उर्दू में लिखे, हिंदी में लिखे, फारसी में, थोड़ा सा मिटाए जल्दी करें, आप लोग मिटाते रहें आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़े, चलिए अब यहां से लेके यहां तक के बीच में, माने गुजरात के सरक्रिक से और अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक कुल लगभग 30 देशांतर रेखा का फर्क है। कितने देशांतर रेखा, लगभग 30, तो एक देशांतर रेखा बराबर क्या मिनट, तो 30 देशांतर रेखा बराबर 120 मिनट, माने 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का,
दो घंटे का अंतर है। अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, ये पूछा सीटीटी का क्वेश्चन है। सूर्योदय यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, सीटीटी का पूछा प्रश्न है, लेकिन कुछ कम नहीं दिया तो उसमें पूरे पार दिया था, पूछा क्वेश्चन सीटेट का, पुराने पेपर देख लीजिएगा। सूर्योदय कब होता है भैया, जब सूर्योदय यहाँ 5 बजे होगा तो 2 घंटा बाद यहाँ होगा पश्चिम, पहले पूरब में होगा ना, पश्चिम में बाद में होगा, तो यहाँ पे 7 बजे होगा। अब कुछ मिनट वाला यहाँ काम नहीं करता, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूछे गए हैं। यहाँ अगर 5 बजे यहाँ कांसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप मास्टर हो गए रामशेर सिंह जी, माना आप मास्टर हो गए, पहली सैलरी में आपने बुलेट ले लिया दूसरी सैलरी में, और जब महीने अच्छा अरे और वो सैलरी अकाउंट में फाइनेंस हो जाता है, चलिए। लेकिन जब आपकी पहली गर्मी छुट्टी मिली, सोचें कहीं घूमने चले, तो पता चला चलते हैं अरुणाचल प्रदेश घूमने, खूब अरुणाचल प्रदेश भूगोल नहीं पड़े थे, अरुणाचल प्रदेश खूब घूमे और घड़ी देखे कि 10 बजे की फ्लाइट है दिन की, चलते हैं 9 बजे घूम के फिर जाएंगे घर। और जब यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे जब पहुँचे हैं अपने घड़ी से, यहाँ से 10 बजे पहुँचे हैं, नहा धो के एकदम गुजरात के रहने वाले यहाँ पहुँचे, ठीक, 10 बजे फ्लाइट जब पहुँचे वहाँ, पता चला वहाँ की फ्लाइट 1 घंटे पहले उड़ गई, कहीं यहाँ पर घड़ी तो बजा ही नहीं, सोना 2 घंटे पहले, ये तो पीछे से गए हैं ना, इनकी घड़ी 7 बजी, जब इनके 9 बज रहा है तो वहाँ पे 11 बज रहा है, तो कहीं यहाँ तो फ्लाइट 10 बजे थी ना, कम तो 9 बजे है, कहीं यहाँ पे घड़ी 9 बज रहा है लेकिन यहाँ तो 11 बज रहे हैं ना। शमशेर सिंह जी, मतलब यहाँ वाले यहाँ गए, इनको पता चला फ्लाइट में 2 घंटे बाद, कहें यार तो सोचे तो टाइम से आएगी, तो मतलब एक ही देश में रहने वाले नागरिकों को इतनी समस्याओं का जन्म हो गया, मतलब जय डिग्री जाए तय मिनट घड़ी खसकाए, ट्रेन में बैठे हैं मिलाते रहे का डिग्री के साथ में घड़ी मिलाए, तो मतलब एक ही देश में रहने वाले नागरिकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता भाई, एक देश, इसलिए पूरे देश का एक टाइम जोन बनाया गया, क्या बनाया गया, इन दोनों के जो बीच में बजेगा वो पूरे देश में बजेगा, जो इन दोनों के बीच में बजेगा पूरे, उसे कहा गया GMT, यहां से खींचा गया, ठीक, ये हो गया 82 सही 1/2 डिग्री अथवा 82 डिग्री 30 मिनट, कहां से, GMT से, ठीक, 82.5 डिग्री जो यहां बजेगा वो पूरे देश में बजेगा, इसका बीचों बीच निकाला गया, कितना बजेगा यहां ये भी देख लेते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर 4 करेंगे 330 मिनट, माने +5 घंटा, तो GMT से हम कितना आगे हैं, 5 घंटा। अगर इंग्लैंड में कोई मैच 1 बजे खेला जा रहा है तो भारत में इसका प्रसारण कितने बजे होगा, 6:30 बजे, 5.5 घंटा बाद प्रसारण होगा, एकदम उसी टाइम, तभी तो वनडे का शुरू होता है हमारे यहाँ, वहाँ 10 बजे, हाँ तो वही 5.5 घंटे बाद यहाँ शुरू होता है, हर जगह, हाँ हर देश का नियम है। तो जो, और ये कहाँ से है, ये इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर, गोपीगंज, इलाहाबाद का नहीं, जो ऑप्शन में दे वो उत्तर इसका, भैया जो दे दे, कई किताबों में कई सब वाच दिए हम, समझ में आया, मतलब जो यहाँ बजेगा वो पूरे देश में, अब कत्तो घूमे जाओ, अब तो मास्टर होगा जोन मतौन का हमसे काम, मतलब टाइम क्लियर हो गया, हमें तो बस यही समझावा करा, अब तो लोग वास्तविक जीवन में जिए लगे, पहले ब्याह कर, अच्छा जिंदगी कबाड़ा हो जाएगी, स्वतंत्र रूप से जी ले रहे हैं, हंस ले रहे हैं, हंसना हंसना बंद हो जाएगा, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है,
उनके नाम आप बताइएगा, नहीं बताएंगे तो कल हम बताएंगे। पांच राज्य आप बताइए, कभी कुछ आप लोग को बताइए। अब वो आप बताइए कौन कौन पांच राज्य हैं। तो लाइन खींच दिए हैं, जो दिमागदार वैसे बता देंगे। ठीक, तो भारत जीएमडी कितना आ गया है? 5.5 घंटा। कितना आ गया है? 5.5 घंटा। और कितना कौन? 82.5 डिग्री। समझ में आया भैया जी? जीएमटी, हाँ 5.5 घंटा आगे है, 82.5 डिग्री है। एडी रहा 4 मिनट, गुणा करेंगे 330 मिनट आएगा, घंटा बदलेंगे 5 घंटा 30 मिनट। यहां तक अगर किसी को समस्या हो तो बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में वैसे पूछ लीजिए। 82.5 डिग्री है, ऊबर है आप लोग ने, इसे शॉर्टकट मार दिए। 1 डिग्री और 4 मिनट तो 82 डिग्री बराबर 82.5 बराबर गुणे 4 करेंगे तो 330 मिनट आएगा। 82.5 में गुणा करेंगे 4 से तो 330 मिनट आएगा। 82 करेंगे 328 आएगा, प्लस 2 मिनट आधा डिग्री का, तो 60 से भाग देंगे जितनी बार जाएगा वो घंटा, जो शेष बचेगा वो मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट। किससे? जीएमटी 5.5 घंटा आगे है। समझ में आई कहानी? अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बेहिचक पूछ लीजिए। हम आप क्या जीएमटी से दिक्कत हो, अभी और दिक्कत है, लेकिन क्या करें, आपको उलझाना नहीं है, सुलझाना है। अभी मगर अफ्रीका में इतना बज रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति भारत में इतने बजे शपथ ले रहे हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसे कितने बजे देख सकता है? ये सब आपको नहीं समझा रहे हैं। ठीक, कांगो वाला कितने, जिम्बाब्वे वाला कितने बजे देखेगा? उस समय किम योंग जुंग अगर कोई मिसाइल का परीक्षण किए तो आप कितने बजे देख पाएंगे अपने टीवी पे? ये सारी चीज़ आपको नहीं बताए, क्योंकि इसमें उलझ जाएंगे आप तो मामला सिलट जाएगा। ठीक, तो अंतोगोत्ता मेरा मतलब ये था कि ये चीज़ें आपको समझ में आई जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कोई समस्या ऊपर जाने लगेगा, यहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक नीचे जा रहा है, कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। पांच राज्य हम तो आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। पांच बता दी, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप पांचों बताइए कौन से हैं, इतना बड़ी लाइन खींच दी है। एक तो बिहार है, बता दिए, अब आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश भी है, अब अपना बताइएगा। सब बका के पूछ लेंगे तो मतलब है क्या रहेगा? है पांच ही ठो। ठीक, अरे कागजी कलों के लिए होमवर्क को छोड़ दीजिए। आप हमें बताइएगा भारत के जो ये ग्रीनविच से जो जीएमटी की रेखा है वो पांच राज्यों से गुजरी, वो पांच राज्य कौन कौन से है, भारत जीएमटी से कितना आगे है। ठीक, यदि कोई मैच भारत में 2:15 पर खेला जा रहा है तो उसका प्रसारण इंग्लैंड में कितने बजे होगा? छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। यदि दोपहर के 2:15 में भारत में कोई मैच खेला जा रहा है तो उसका प्रसारण, तो उसका सीधा प्रसारण इंग्लैंड में कितने बजे होगा या लंदन में कितने बजे होगा? 5.5 घंटा पीछे होगा भैया, सीधी सी बात। हम उससे 5.5 घंटा आ गए तो कंफर्म हो गया। जीरो डी देशांतर का कहाँ से है? ग्रीनविच का कहाँ है? लंदन में है, तो लंदन 5.5 घंटा आगे हैं तो हमसे 5.5 घंटा पीछे हुए। समझ में आया? अगर इनसे 3 रुपया ज्यादा है तो आप इनसे 3 रुपया कम हुए। लेकिन उसमें दिया रहेगा तब ना कि हम आगे पीछे हैं। अरे यार, तो सीधी सी बात, पता इनके पास 13 रुपया, आपके पास 10 रुपया, आगे कौन है? नहीं बस, अच्छा अच्छा अरे भैया जी देखिए कहाँ तक दिख रहा है, सबका प्रश्न होगा ना, ये देख लीजिए। यहाँ भारत है, लगभग माना भारत है, ये आगे कि ये आगे है? सूर्योदय पहले कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। कितने घंटे पहले होगा? भले इन दोनों के बीच 5.5 घंटे, चाहे तो आपको टाइम पता, वही तो पूछ रहे थे। हाँ, अरे यार वहाँ से 0 डिग्री गुजरती रेखा, ये पता है तो उसका मतलब मुझसे 5.5 घंटे आगे हैं तो हमसे 5.5 घंटा पीछे होंगे। देशांतर तो क्लियर है, वहीं से खींचा गया है। बिजली खंभा कहाँ लगा हो? तोरे दुआरे लगा हो, कौन वाला? प्रधानी कोटा वाला नहीं लगा, लो चले लग जाइए। ठीक, बहुत ऊपर जा रहा है ना। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो बचा हुआ था, हम लोगों ने देखा छांछ रेखा जो पड़ा, छांछ रेखा किसी ताप गठबंध को प्रदर्शित करता है, किसी भी देश को अगर तापमान को जानना उसके लिए क्या होता है, और छांछ रेखा अगर किसी देश के टाइम को जानना हो, टाइम जोन को जानना हो पूरे वर्ल्ड का, तो उसके लिए जो बनाया गया है वो क्या है? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का अध्ययन हम टाइम जोन को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि अक्षांश रेखा का जो प्रयोग करते हैं वो किसी स्थान के तापक्रम को जानने के लिए करते हैं। दोनों में छोटा सा अंतर है, एक तापक्रम बताता है और एक
समय कटिबंध का ज्ञान कराता है। दोनों दूसरे के पैरल, दोनों दूसरे के समांतर हैं। यह जो काल्पनिक रेखाएं हैं यह हमारे पूरे ग्लोब पर बिछाई गई हैं। इन्हीं की वजह से हम किसी भी स्थान विशेष की जानकारी रख पाते हैं, उनके बारे में हम व्याख्या कर पाते हैं। वास्तव में देखने में कुछ भी नहीं होते हुए बहुत कुछ है, बिना इनके हम किसी प्रकार के मैप का अध्ययन नहीं कर सकते। यह वर्तमान समय में मैप के व्याख्या को समझाने के साथ साथ हमारे सभी पहलुओं को सुलझाने में काफी मदद करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हमारे दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ ये यूपीटीटी सुपर टीटी के साथ साथ भारत में जितनी परीक्षाएं सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह दोनों टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण था। ये वास्तव में ट्रॉपिक आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर अध्ययन करते हैं, लेकिन यह हिस्सा आपकी इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिल जाता है, क्योंकि जब हम भारत का टाइम जोन पढ़ते हैं उसके साथ साथ जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें पढ़ने को मिल जाता है, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी वन को वहाँ के नागरिकों को पढ़ना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इसको समझना। अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे की जो पढ़ाई होती है काफ़ी इजी वे में होती चली जाती है, क्योंकि अब आपको पता होगा जब कर्क रेखा की बात करेंगे तो आप ये जानेंगे मतलब कर्क रेखा माने 23.5 डिग्री उत्तर, जब मकर रेखा मेरे मुँह से निकलेगा तो आप ये समझ जाएंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिण, माने जैसे मेरे मुँह से शब्द का उच्चारण होगा आप ये समझते जाएंगे ये क्षेत्र कहाँ है। ठीक, वैसे बहुत सारे देशों का व्याख्या कर सकते थे किंतु वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, तब भी मैंने जो बताया वो अपने हिसाब से आपको ज़्यादा आपकी जानकारी के हिसाब से इतना ज़्यादा बता दिया। हम इतना पढ़ते हैं और याद हमें इतना होता है, इसलिए आपको जरूरी इतना था देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, भारत कितना आगे है GMT से, कितना मिनट आगे है और कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखा कितनी है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी, बस यही ज़्यादा पूछता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरी फीडबैक तरीके से व्याख्या कर समझा दिया ताकि आपको समस्या में कभी पढ़ते समय या कोई क्रॉस क्वेश्चन कभी क्लास में कर ले आप उसका जवाब देने से चूके ना, इसलिए हम इसकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने कर दिए। लेकिन फिर भी ये विस्तृत व्याख्या नहीं है, क्योंकि हमें पता हमने क्या क्या चीज़ें काट दी, बीच बीच में बहुत सारे एपिसोड ऐसे थे जो मैंने काट दिया। ये जो पिक्चर थी पूरी मूवी आप नहीं देख पाए, इसके थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया गया, लेकिन यह हिस्सा भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण का टीचर कोई इतनी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाता, कि जो पर्यावरण पढ़ाता है वह केवल अक्षांश देशांतर रेखा की व्याख्या न करके वह केवल कर्क मकर और भूमध्य रेखा बताने के बाद वह अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता। लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लिखित परीक्षा में हमसे जुड़े हैं और हमसे ये उद्देश्य लेकर आए, ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हम दुर्गेश सर के साथ जुड़ेंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम एक सब्जेक्ट नहीं कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक, लेकिन वो भी सारे सब्जेक्ट बिना किताब के पढ़ाते हैं जैसा आपने हमें भी देखा। और यह आप करिएगा उम्मीद कि यह चीज़ें बरकरार है, यह मेरा घमंड बरकरार है, क्योंकि इसकी वजह से मैं चीज़ों को भूलने नहीं पाऊंगा। ठीक, आप जितने भी क्रॉस क्वेश्चन करें उसका जवाब दें, यह मेरे पॉजिटिव वे को दर्शाता है और इस बात को दर्शाता है कि आप एक अच्छे संस्थान से जुड़े हुए जहां से आप अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। आपने बहुत सारे अध्यापक को देखा होगा, बहुत सारे टीचर को देखा होगा, यहां से नहीं हर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ऐसे किताब लाते हैं और हूबहू किताब छपवाते हैं, उनकी व्याख्या समझ में नहीं आती, उनसे एक क्वेश्चन इधर से आगे से पीछे पूछ दीजिए वो बेचारे डूब जाएंगे। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किए और आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास किए। हमने छापने में छपवाने विश्वास नहीं करते, ना मैं नोट्स लिखता हूँ ना नोट्स लिखवाने भरोसा करता हूँ, क्योंकि असली चीज़ें होती हैं। मैं 3 घंटा का उपन्यास पढ़ने के लिए कह दूँ और 3 घंटे की मूवी देखने के लिए कह दूँ, किसकी व्याख्या विस्तृत तरीके से बेहतर कर पाएंगे, मूवी न कि उपन्यास की। इसलिए हमारा दिमाग चलचित्र को जल्दी याद करता है, इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो उसको प्रयास करते हैं आपका दिमाग यहाँ हो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो मैं लिखवाऊंगा वो मार्केट में 20 रुपये किताब में आसानी से मिल जाएगी 30 रुपये की, तो क्या जरूरत है आपको अपना टाइम देने से और पैसा देने से। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए आपका समय है, पैसा नहीं है। आपका समय चला गया मेरी कोचिंग पढ़े, कुछ लोग कहते सर फीस कितनी है, फीस मेरी है फ्री, आइए पढ़िए, मैंने आपको 3 महीने बकाया टेट आप फेल हो गए, पूरी ज़िंदगी तो मैंने आपकी बर्बाद कर दी। तो जो लोग पैसा पूछते हैं तो पैसा माने नहीं रखता, मैंने सिलेक्शन रखता आपका, आपका टाइम माने रखता है। और खासकर पढ़ाई के मामले मैं जानता हूँ बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको बेस्ट देना है और आपको बेहतर करना, और बेहतर करने का विकल्प ये कि आप अपनी जिंदगी का बेहतर दें। समय लौट कर नहीं आता, अगर आपकी इसी नियुक्ति में नहीं हुई तो अगली नियुक्ति में होगी, अगली नियुक्ति 2 साल बाद आई। अगर आपका दोस्त यहाँ पढ़कर इस बार हो गया और आप 500 बचाने थे कहीं और पढ़े, थोड़ा सा अंतर दिखेगा। 1 महीने की वेतन कितनी है, साल भर की 4,80,000, 2 साल की 9,60,000। अगर अगली वैकेंसी 2 साल बाद आएगी तो अगले 2 साल बाद हुआ और आप, तो जब वो नियुक्ति लेके घूमेगा तब तक आप 9,60,000 रुपया कमा चुके होंगे। लेकिन लोगों की मानसिकता ये होती है, लोग कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ पढ़ेंगे, भैया एक भर्ती बाद अगली भर्ती आएगी, लेकिन लोगों की मानसिकता जो होती है, लेकिन मैं व्याख्या नहीं कर सकता, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता ही है। हम लोग चुनाव के समय जो बात का ध्यान देते हैं ये हमें हमेशा अपनी भर्ती को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें हर बार पहली बार में सिलेक्शन लेना है, ये अगली बार नहीं छोड़ना, हम इस बार ही सिलेक्ट होना है। अगली बार के बाद 2 साल पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उसमें से अगर इस बार जो नहीं हुआ अगली बार टूट जाता है, टूटने का मतलब घर वाले पैसा 2 लाख रुपया लगाते हैं, बीटीसी बीएड कराए हैं, अब जाके तो पढ़ा थे जा बम्बई कमाए, तो आधे तो ऐसे छट गए, आधे बेचारे परीक्षा का तब पढ़ेंगे। ओ बंदा तब तक क्या फ़ोन किया, कहाँ, अरे भैया प्राथमिक विद्यालय यहाँ बैठे आए हरियाणा घूमे, अच्छा हरियाणा, भैया हम कहाँ भाई, एक मॉल में ही काम करते, वो 7,200 रुपया पे और वो महीने का 1 दिन का 1,300 रुपया, 3,000 जा रहे हैं ना, 1 दिन का 1,300 रुपया, संडे है 1,300 रुपया,
पांच दिन की सिद्धारी छुट्टी है एक महीने की, 40,000 रुपये फोकट का। आप 3 दिन नहीं जाएंगे तो वेतन काट लेगा। अगर 3 दिन आप नहीं आए, 3 दिन में 2,600 रुपये कट गया। तो अभी भी आपके पास समय है, आप समय का सदुपयोग करिएगा, बेहतर संस्था का चुनाव करिएगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग लगता होगा पता नहीं क्या पढ़ाते कैसे पढ़ाते हैं, आप ये जानते रहिएगा मैं सब विषय पढ़ाता हूँ, मैं मैराथन पढ़ाता हूँ। कोई क्लास ना चले परीक्षा के एक महीने पहले 350 ज़्यादा अध्यापक इसी पत्र के नीचे बने, चद्दर के नीचे। 5 बजे सुबह 9 बजे बुलाते थे, 5 से 6 बजे तक क्लास चलती जब तक अंधेरा ना हो जाता था। घर से लड़कियों के गार्जियन आते थे कहते सर छोड़ दीजिए, मैंने कहा छोड़ देंगे लेकिन 6 तारीख को परीक्षा जनवरी को, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? तब तो आप कहेंगे फलाना क्या पढ़ा रहे नहीं हुआ, मान लीजिए 2 दिन खाना लेट होगा, व्रत रह लीजिए, लेकिन पूरी जिंदगी आपके सामने है फैसला। और सब लोग अध्यापक हुई मेरे लिए गर्व की बात है, मेरी उम्र बेशक कम है, हो सकता है कुछ लोग साथ में भी कम हो, कुछ के इक्वल कुछ के बराबर हो, लेकिन फिर भी ये मेरी बहुत बड़ी, हम लोग की पूरी टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने इतनी छोटे उम्र में जो मैंने कर दिया इसी संस्थान से, आप जैसे जौनपुर जैसे छोटे क्षेत्र से, मैं भी डेवलप कर रहा हूँ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, मैंने 0 शुरुआत की थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपके सामने इतनी बड़ी एक संस्था दिख रही है, आप देख पा रहे हैं हमें, बस ये मेहनत का है। आज भी मैं वही मेहनत करता हूँ, आपको पता है ना मैं सुबह लेट आता हूँ, क्यों लेट आता हूँ, रात भर खुद मोबाइल चलाता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, इसीलिए सुबह लेट आता हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे पिक्चर देखे कई बरस हो गए, कई बरस, ये हकीकत है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि नई पिक्चर आई उन्हें देखने के लिए चाहिए, और हमें लगता है हम 3 घंटे में कुछ नया करेंगे, हम गाना नहीं सुनते, विश्वास नहीं करेंगे, 5 मिनट गाना नहीं सुनते, 3 मिनट गाना नहीं सुनते, मैं 3 मिनट बर्बाद होगा, बैठे हैं चले, अगले 3 मिनट मुझे लगता है कि आदत खराब हो जाएगी। लेकिन इसलिए इस उम्मीद से और वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बड़ी कोचिंग है उनमें हमारी गिनती होती है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने उठा के देख लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया पर देख लीजिए, चर्चे अगर देख लीजिए तो कहीं ना किसी से कम चर्चे नहीं है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। छोटे सर जौनपुर जनपद से हैं और आप जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है, और मेरी वजह से सारी कोचिंग संस्था सुधर गए, वो सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिए। आपको विश्वास नहीं होगा मैराथन नाम मैंने दिया है सुपर UPTET में, पहली बार मैंने परीक्षा के 2 दिन पहले रात में गणित पढ़ाई थी मैराथन, आज पूरे प्रदेश में लोग मैराथन नाम दे रहे हैं। अभी मैं नया नाम देने जा रहा हूँ UPTET का, आप देखिएगा लोग नया नया नाम देंगे। मुझे पता नहीं था, कल पता चला कि कुछ बड़े कोचिंग संस्थान हमारे सभी ग्रुपों में ऐड है, कल इलाहाबाद के, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यार आप कहाँ मैं कहाँ, आप मेरी तुलना क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं उनसे कहीं ना कहीं अव्वल हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, क्योंकि मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं आपको इससे कहीं व्याख्या कर लेता हूँ, इसका मतलब है मैंने कई साल फाड़ा किताबों को, ये एक जो पूछ रहे थे ना, ये किताबें नहीं, ये कई की किताबों का मैटर है। मैं कैसे बताता हूँ, नहीं नहीं भी होगा यहाँ भी, इसका मतलब मैंने कई किताबें पढ़ी, समय अलग अलग डेटा है, और इसलिए मैंने लिखने और लिखवाने विश्वास नहीं करता। आप लोग जुड़े हैं, आप लोग अपना बेहतर दीजिएगा, मेहनत करिएगा, इसलिए मैंने जो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा है वो आपके लिए चला, मैं जो एप्लीकेशन ई-लर्निंग भी दुर्गेश मैंने आपके लिए ही बनवाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद घर पे कहते सर होमवर्क नहीं मिला, ये वीडियो जो आपको घर जाएगा वो बहुत सुनेंगे, कैसे नहीं याद होगा, एक वीडियो को 10 बार सुनेंगे, कोई अव्वल नहीं होता, कोई पढ़ने में तेज नहीं होता, कोई गधा नहीं होता, वो 1-3 बार पढ़ने में याद हो जाता, हम साले 10 बार पढ़ेंगे कैसे नहीं याद होगा, हम ये मान लेंगे बिना किताब से नहीं पढ़ेंगे, हम क्या हमको पढ़ाने दिक्कत नहीं होती कभी कभी, लेकिन मैंने सोच लिया हम बिना किताब से पढ़ाएंगे, और उसका प्रभाव सकारात्मक होता है, अब आदत सी हो गई है, अब हम लोग की आदत सी हो गई है। हम अमित सर कभी देखा आपने किताब, मैथमेटिक्स हम लोग किताब नहीं छूते, पूरी गणित से वाचते हैं, पूरी गणित सवाल ऐसे बनाते हैं, अभी आपसे पूछेंगे कोई नंबर बताइए सवाल बना देते हैं, 12 वीडियो पढ़े जाके देख लीजिएगा, ऐसे क्लास में खड़े खड़े हम लोग बिना किताब के रीजनिंग पूरी पढ़ा देते हैं, रीजनिंग पूरी रीजनिंग बिना किताब के पढ़ाते हैं, पॉलिटी संविधान जो आपके सिलेबस का है बिना किताब के पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट पूरा, ज्योग्राफी पूरा, इकोनॉमी पूरा, इसका फायदा हमें मिलता है, इसका फायदा हमें मिलता है। क्या फायदा मिलता है पता है? हमें भी कंठस्थ हो जाता है, वरना मैं भी उसका आदि होता। कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, गलत का मतलब यार हम ही तो इंसान है, किताब से तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, होता क्या है पूरा को पश्चिम, पश्चिम पूर्व मुँह से निकल जाता है, कारण हमारा दिमाग चलता रहता है हमेशा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन मैं अगले कॉन्सेप्ट को सोचता रहता हूँ, इसलिए कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, कभी त्रुटि हो जाती है, लगता है गधा मास्टर क्या पढ़ाएगा। सही बात है, सोच सबके सही, लेकिन आप भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, इसका सकारात्मक आपको प्रभाव मिलेगा और आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। सोचिए आपको देख के याद करना, नहीं लिखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे, बहुत बढ़िया याद होगा। क्योंकि पता होता क्या है, हम पढ़ते हैं हमारा ध्यान का होता है, पता नहीं मोबाइल केकर मैसेज आया देख ली, तो उनसे बोला है तो जरा सुन निकाल ले, फिर पता नहीं अभी कॉलेज जाएंगे गेट खुला बंद, मतलब हमारा ध्यान यहाँ नौकर वहाँ होता है, इसी एक जगह कर लीजिए कॉन्सेप्ट खत्म। हम पढ़ाते बस मुझे यही पता होता मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी खत्म, मुझे पसीना हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरा बाल खड़ा है, मेरा क्या, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होता। आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे सब लोग कहते हैं
अभी तो कुछ लोग कुछ भी कहेंगे ना नहीं वीडियो नहीं बनाएंगे, अरे भाड़ में जाओ यार, कंटेंट से मतलब है ना यार। उनको मैं देखिए बहुत अब पीछे लोग कहीं देखने लगे, लेकिन वास्तविकता ये है, आज मैंने 1200 वीडियो बनाए कि मुझसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता। मुझे ये पता है आपको जो चीज़ वो मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं इस बात की एकदम अलग रखता हूँ। बाढ़ में जाइए सर, मैं उतना समय अपना उतना समय में लगाऊँ, अब नया नहीं है ये नहीं है कपड़ा पेस्ट नहीं, भाड़ में जाए किसी से क्या मतलब, मुझे कंटेंट से मतलब, आपको कंटेंट मैं दे रहा हूँ, मैं क्या पहना हूँ क्या कहूँ उससे आपसे क्या मतलब। आपको कंटेंट चाहिए नहीं पसंद दूसरी वीडियो देखिए, मत देखिए कौन सा आपको कह रहे हैं हमारी वीडियोज़ देखिए या हमारी कोचिंग में आइए। इसीलिए हमने कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाया, ये मेरा विश्वास, इसे कहते हैं घमंड। मुझे लगता है मैं बेहतर पढ़ाऊंगा, लोग खोजते हुए आएंगे, क्या पता बैनर लगा के प्रचार करूँ मेरी दुकान पर आइए मेरी दुकान पर आइए। फाड़ में जाए, जिसको आना उतने लोग पढ़ेंगे और जिसको नहीं पढ़ना हो जाएंगे। इसलिए मेरे यहाँ कोई आता है मैं नाम नंबर नहीं लिखता, ताकि कल को फ़ोन ना करो भैया कल से कहीं नहीं आ रहे, पढ़ना है तो रुकोगे नहीं पढ़ना है जाओगे बात खत्म। ठीक, वो आपके ऊपर हो सकता है किसी दिन आप उस दिन नहीं बढ़िया चल रहा हो, कहेंगे पता नहीं तो पढ़ा भी नहीं करते, कुछ शुरुआत में दो दिन आए सीटेट चला तो कुछ लोग कहें नहीं पढ़ाते हैं बढ़िया चलेगा, भाड़ में जाए नहीं आते। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता हूँ, और मेरी सैली देखनी है 1200 वीडियो पढ़े जाके देख लो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एक दो वीडियो नहीं, 6 तारीख को पेपर था, 4 तारीख को मैंने करंट अफेयर 2 घंटे पढ़ाया है, 22 क्वेश्चन फंसे हैं। अब कौन सी मेरे पास जादू की छड़ी है, इसे अनुभव कहते हैं ना। विश्वास नहीं होगा ना, आप वीडियो डालिएगा यूट्यूब पर सर्च करिएगा, 4 जनवरी को मैंने पढ़ाया है लाइव क्लास, कुर्सी बैठ के घर पर आराम से पढ़ाया है, और 6 तारीख को पेपर उठा के देख लीजिए अपने आप कॉन्सेप्ट खिलो जाए, कितने क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं जैसे मैंने पढ़ाया, और ज़्यादा नहीं 2 ही घंटे करंट अफेयर अपडेट किया था, उसे कहते हैं मैराथन क्लास। आप लोग जरा भी चिंता नहीं करेगा, जब आपकी परीक्षा सर पे आएगी UPTET की, हम ऐसा पढ़ाएंगे 1-15 दिन में मारेंगे पूरा सिलेबस खत्म, क्योंकि ये सब तो खाली हवा हवाई बात कर रहे हैं। अभी सीटेट हमने 5 दिन में खत्म कर दिया, आपने देखा नहीं गणित 4-4 घंटे में गणित हम खत्म कर देते हैं, अमित सर जी मारते हैं पूरा एकदम। अभी आप लोग गणित पढ़ रहे होंगे, लग रहा होगा वास्तव में गणित मज़ा आता है पढ़ने में। हाँ, आप लोग का लेट हो रहा है, इसलिए आप लोग अपने अपने गंतव्य के चले, अपने विद्यालय के चले, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग समय नहीं देखते घड़ी, तो लगता है वास्तव में कि मैं बेहतर पढ़ाता हूँ। हमारे एक सर थे शिवन, यहाँ पे दीप उपाध्याय सर, उनके गुरु थे शिवेंद्र सिंह, वो ऐसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, वो पढ़ा रहे थे भूगोल पढ़ा रहे थे, तो अचानक पढ़ाते पढ़ाते हुआ क्या, एक लड़के ने कहा सर घंटी लग गई, क्या कहा, फिर पढ़ा रहे थे, इसे जिसे भूगोल पढ़ाते मस्त थे पढ़ा रहे थे, फिर कहा सर घंटी लग गई, फिर पढ़ाते रहे, फिर पीछे देखकर उनका कहें ठीक है जाओगे, और जाने के बाद ऑफिस में रोने लगे, और घर गए एक हफ्ते तक रोने लगे। तो सब नहीं आ रहे थे, सब लोग पूछा सर कहाँ रो रहे हैं, तो उन्हें बताया, कहा कि मैं क्लास में पढ़ाते लड़के ने कहा घंटी लग गई, इसमें कौन बड़ी बात, कहें नहीं इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, जब मैं पढ़ा रहा था लड़के की ध्यान यहाँ नौकर कहाँ थी, घंटी पे थी, मतलब मेरे पढ़ाने में कमी है और मुझे इस कमी को सुधारना, तो उन्हीं के हम शिष्य के शिष्य हैं। हो सकता है जरूरी रहा, लेकिन उनकी पढ़ाई में इतनी कमी थी, और मैं जब पढ़ाता हूँ आप कभी देखिएगा आपका पेन गिर जाता है नीचे नहीं उठाते, आप घड़ी भी देखते लेट होता था कि बैठे रहते कैसे जाएं, ये होना चाहिए पावर किसकी, लेक्चर में। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग निकलिए अपने अपने गंतव्य को।